अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं कार्गो पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे कुछ चाइनीज़ भी मौजूद हैं और आज जो है बड़ी खेप आई है यहाँ पे। खेप से मुराद मास्क आए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं कोरोना से निपटने के लिए। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मेरी बात हुई है, उसमें ही बताया गया है कि भई 10,000 की कोई तादाद डिस्कस हो रही थी। मैं डराना नहीं चाह रहा आप लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा ये बड़ा सीरियस है। मैंने पूछा आपने वुहान में कैसे कंट्रोल किया, मतलब कोई मेडिसिन थी क्या था? उन्होंने कहा कुछ नहीं किया हमने, जस्ट आइसोलेट करके रखा लोगों को। क्योंकि इन्होंने कहा हमारे अजम्पशन ये कि जितनी बड़ी आबादी शहर कराची की है, इस आबादी में रहते हुए ये मतलब चाइनीज़ जो यहाँ पे आए हैं वो ये कहते हैं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तादाद कराची के अंदर कुछ नहीं 10,000 पे सेकेंडों में चली जाएगी, जितनी बड़ी आबादी शहर की। और उन्होंने कहा अगले 2 हफ्तों में ये आपको पता लगेगा। तो बड़ी ये जानने के बाद थोड़ा से मेरे भी रोंगटे खड़े हुए कि यार मतलब 2 हफ्ते बाद तभी हमें पता लगेगा एक्चुअली हम किधर खड़े हैं। तो 15 दिन का जो कर्फ्यू कह लें या लॉकडाउन कह लें, जो भी लगाया गवर्नमेंट ने, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, उन्होंने अपने तौर पे बड़ा मतलब मैं कहता हूँ अनमोल स्टेप लिया, सही स्टेप लिया। लोग जो हैं वो शायद संजीदा नहीं हो रहे, लेकिन वो कहते हैं कराची की आबादी जितनी है उसमें 10,000 इन्फेक्ट आराम से हो जाएंगे और हो चुके होंगे, 2 हफ्ते बाद पता लगेगा। तो अल्लाह रहम फरमाए इस शहर पे, कराची पे। 5 लाख मास्क तो आ चुके हैं, 20,000 प्रोटेक्शन सूट आने वाले हैं और 50,000 टेस्टिंग किट्स आ रही हैं। टेस्टिंग किट ऐसी है कि एक किट से आप 20 लोगों को टेस्ट कर सकते हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अपना इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही है। लेकिन जो चीज़ें मैंने उनके तजुर्बे से जानी है और जो चाइनीज़ अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रहे हैं, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मैं सारी बातें तो नहीं आपको बता पा रहा, ना मैं बता सकता हूँ, कुछ बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैंने जितनी बात आपको बता दी है ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको सीरियस ले लें, क्योंकि 10,000 इन्फेक्टेड, अगर वो सिर्फ आबादी को उन्होंने कहा जी कितनी 2-2.5 करोड़ आबादी, 10,000 तो उन्होंने कहा ऐसे ही हो जाएंगे आपके, अभी 2 हफ्ते में आपको पता लग जाएगा। तो अल्लाह रहम फरमाए, ख्याल रखें अपना भी अपने इर्द गिर्द का भी। और प्लीज़, इन्होंने कहा, मैंने इनसे पूछा कि आपके पास कोई मेडिसिन थी, क्या जादू था, कैसे आपने वुहान में जो है कंट्रोल किया इस चीज़ को? इन्होंने कहा सिर्फ आइसोलेशन इसका हल है और कोई हल नहीं है। तो बस अल्लाह रहम फरमाए, आइसोलेटेड रहिए, मत निकलिए बाहर, निकलें तो बहुत प्रोटेक्शन करें। मैं अभी निकला हूँ तो मैंने इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की हुई, हाथों पे मेरे ग्लव्स भी हैं और ये देख लें आप, और मास्क भी है, फिर प्लस ये कि बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है और मैं अपने फेस को भी नहीं ज़्यादा टच कर रहा हूँ। इसी तरह आपने भी मैक्सिमम अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपने आप को सिक्योर रखना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का हिफाजत करने वाला है और उसी ने इस मुल्क को बनवाया है और उसी ने इस कौम को बचाना है। आमीन।